कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय और आज हम श्लोक नंबर 32 पढ़ेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसको उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्त ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। गौरंग 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो कल हमने श्लोक नंबर कल कौन सा श्लोक नंबर पढ़ा था, 30 या 31? 31 पढ़ा था, 31 पढ़ा था ना। और उसमें एक क्वेश्चन अंत में रमेश प्रभु ने शायद पूछा था कि जब गजेंद्र ने पुकारा ही भगवान को था तो फिर भला देवी देवता क्यों जाएंगे। जाहिर सी बात है, जिसको भगवान जो पुकार रहा है जिसको उधर ही वही जाएगा। तो ऐसा बताते आचार्यगण, उस वहीं पर खत्म हो गया था तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा बताते आचार्यगण कि कोई बहुत बड़ा सरकारी आदमी है, ठीक है, और रास्ते में देखते हैं तो बहुत ज्यादा कचरा है। कोई फरियाद लेके आया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, कोई साफ वो तो जो ऑफिसर है उसको है ना फरियाद लेके जाता है, उसको पास जाके बोलता है कि भाई यहाँ पर इतनी गंदगी है या ये मोहल्ला खराब है। तो वही बड़ा सरकारी आदमी यदि झाड़ू लेकर सफाई करने के लिए निकल रहा है तो फिर जो जितने भी दूसरे वर्कर्स हैं उनको शर्म आनी चाहिए ना कि हमारा इतना बड़ा जो है ना लीडर है, जो इतना बड़ा ऑफिसर है, उसको ये छोटा काम करने के लिए आना पड़ रहा है ना। उसी तरह से भले ही हम भगवान को पुकारते हैं लेकिन ये जो छोटे छोटे कार्य करने के लिए जब भगवान को आना पड़ता है तब देवी देवताओं को ऐसा फील होता है कि यार हमारे स्वामी है वो। भगवान को तो ये फील नहीं होता क्योंकि भगवान तो जो भक्त प्यार से बुलाएगा उधर जाएंगे ही। लेकिन आप खुद सोचो, ठीक है, अगर किसी टेम्पल में आप देख रहे हो कोई गंदगी है, ठीक है, कहीं पर कोई गंदगी है या जाले लगे हुए या वो, और अगर स्वयं महाराज उठा के गुरु महाराज उठा के यदि वो सफाई कर रहे होते तो सारे शिष्य के मुंह में क्या रह जाएगा कि यार मेरा मतलब हमारे गुरु महाराज को ये कार्य करना पड़ रहा है। तो फिर वो फौरन से उठाएंगे ना गुरु महाराज को, महाराज महाराज मैं कर रहा हूँ प्लीज आप बैठिए, ऐसे बोलेंगे ना। तो उसी तरह से जैसे अचानक से उन्होंने देखा कि हम लोग तो नहीं जा रहे, मतलब वो कब से बुला रहा है गजेंद्र के भाई मैं बहुत दुखी अवस्था में, जो ईश्वर है जो परमेश्वर है जो भगवान है वो भले हायर अप जो अथॉरिटी है उसको अप्रोच करने का प्रयास कर रहा है लेकिन हम जो उनके नौकर है वो कब काम आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बताया था कि वो जो सारे जो देवी देवता हैं वो भी स्तुति करते हुए उनके साथ चले कि कम से कम एटलीस्ट हमारा ये अपराध कि हमने गजेंद्र की पुकार पर कोई ध्यान ना देकर बोला कि भगवान भगवान है ना रक्षा करेंगे। और ऐसा बल्कि ऐसा भी कहा जाता है, आचार्यगण बोलते सारे देवी देवता सोच रहे ये गजेंद्र तो बस मरना चाहता है,
और कुछ नहीं, आत्महत्या करना चाहता है भगवान। भला अभी हजारों हाथी होते हैं जो कि है ना दरिया में जाते हैं, और हजारों मगरमच्छ होते हैं उनको पकड़ते हैं रोज, ऐसा होता है, ऐसा कोई एक ही हाथी के साथ नहीं हुआ है, ऐसे तो बहुत सारे जानवर संकट में आते हैं। तो भगवान क्या हर एक जानवर के लिए खुद आएंगे क्या? तो बोले बस इसको तो है ना मरना है, इसी के लिए बस भगवान भगवान कर रहा है। भगवान थोड़ी ना इतने छोटे छोटे कामों के लिए संसार में, लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कौन पुकार रहा है वो मैं कभी नहीं देखता। मैं ये नहीं देखता कि कौन पुकार रहा है, मैं वो देखता हूँ कि वो मुझे पुकार रहा है। फिर भले वो गजेंद्र जैसा हाथी क्यों ना हो, फिर चाहे वो कोई भी होता है, तो भगवान जो है वो उसकी इस फरियाद को सुनकर अवश्य आते हैं। भगवान ये नहीं सोचते भाई मैं तो इतना बड़ा स्टैंडर्ड है मेरा, इतना बड़ा स्टेटस है, मैं उनको कोई भरमबाजी नहीं करते कि मैं तो त्रिलोकी का नाथ हूँ, अभी मैं एक एक हाथी को बचाने के लिए जाऊं क्या? तो भगवान ऐसे नहीं सोचते हैं, भगवान आ जाते हैं। भगवान के अंदर कमी नहीं है, कमी हमारी पुकार के अंदर है। हम उस तरह से पुकारते ही नहीं है जिस तरह से गजेंद्र पुकार रहे, आर्त होकर कि तुम्हारे अलावा कौन आएगा, तुम नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अवश्य आओगे। जब जब हम ऐसा कहा जाता है, आप जब पूरे विश्वास के साथ भगवान को पुकारते हो ना, फिर भगवान चाहकर भी आपकी इस पुकार को अनसुना नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी हो। विश्वास जो है, भगवान भगवान कहीं है या नहीं है ये मत देखो कि भगवान मंदिर में है, भगवान निराकार है, भगवान भगवान आपके विश्वास में है। जब आप पूरे विश्वास के साथ उन्हें पुकारते हो ना, उनका नाम लेते हो ना, तो भगवान चाहे मंदिर में हो या ना हो, वो चाहे कण कण में हो या ना हो, आपके विश्वास का स्वरूप धारण करके आपके पास आ जाते हैं। गजेंद्र ने किसी मंदिर में जाकर थोड़ी ना स्तुति की थी, गजेंद्र ने किसी को लक्षित करके थोड़ी ना स्तुति की थी, गजेंद्र ने बोला था मैं जानता हूँ कि तुम हो, मैं मानता हूँ कि तुम हो जिसने इन सारी सृष्टि को बनाया है, जो सारे देवी देवताओं के स्वामी हैं, और मैं बस तुम्ही को पुकार रहा हूँ, तुम कौन हो, तुम जो भी हो तुम आ जाओ। तो इतना दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने पुकारा था। तो फिर ना भगवान अब आगे गोस्वामी शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, अब भगवान को भगवान के साक्षात्कार किए, दूर से भगवान आ रहे हैं, दूर से गरुड़ के ऊपर बैठकर, और जैसे सूर्य चमकता है ना, सूर्य हमसे कितना दूर होता है, लेकिन आभास आ जाता है, एक सूर्य के आने से एक अंधेरा समाप्त हो जाता है और पता चलता है सूर्यदेव आ गए। तो अभी भगवान बहुत दूर है, और दूर से ही गजेंद्र जो है वो भगवान के हाथ में जो चक्र है ना, वो इतना तेजी से घूम रहा है उस, और उसमें से इतना प्रकाश निकल रहा है कि गजेंद्र जो है वो देख लेते हैं भगवान को। अभी तो इतनी देर से तो बोले जा रहे हैं, कितने श्लोक हम पढ़ रहे हैं, गजेंद्र एक के बाद एक, एक के बाद सोच रहे नहीं है, बस याद करके, उनको याद है पहले से, बोले जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर भगवान को आप पुकार रहे हो, सपोज यही गजेंद्र स्तुति है, पिछले जन्म में उसने भी याद की थी, आज उसको याद आ गई जब उसको तकलीफ में थी, और जब भगवान ना करे आपके जीवन में कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, आज आपने गजेंद्र स्तुति याद कर ली, कल आप पुकार रहे हो, और आप पुकार रहे हो, पुकारते पुकारते भगवान आ जाते हैं गरुड़ पे बैठ के, और भगवान आ गए, आपकी वही कंडीशन है, आर्त कंडीशन है गजेंद्र की, 1000 वर्ष से उसको ग्रह ने पकड़ा हुआ है, बहुत पीड़ा में है, और भगवान आ गए हैं, अब आप क्या क्या करोगे पता है, मतलब सबका अपना अपना होगा, लेकिन जब सामने वो आ जाएंगे ना, तब और भी जोर से रोएंगे कि आप आ गए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बचा लो प्लीज, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसे कुछ तो बोलेंगे ना, कि आप देखो पहले मैं पुकार रहा था, मतलब ऐसा मनुष्य का ऐसा होता है, जब सामने कोई आता है ना, जैसे माता पिता को कोई कोई बच्चा भी होता है ना, माँ को पुकारा, माँ आ जाओ, और जब माँ आ गई फिर तो जोर से रोएगा और चिपट जाएगा, आपको कितनी देर से मैं पुकारा था, आपने इतनी देर कर ली, देखा मेरी कितनी दुखी कंडीशन है, ऐसा। लेकिन जो भगवान के जो भक्त होते ना,
वो भगवान को भले आर्त स्वरूप में पुकारते हैं, लेकिन जब भगवान आते हैं तो उनका क्या, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, आज हम गजेंद्र से सीखेंगे। गजेंद्र कहते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सो अंतः सरस युरु बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम ख उपात चक्र। सोंतः सरस युरु बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम ख उपात चक्र। सोंतः सरस युरु बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम क उपात चक्रम। सोंतः सरस युरु बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम क उपात चक्रम। उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिर माह कृच्छ्रा। उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिर माह कृच्छ्रा। उत्क्षिप्य सांबुजकरम गृह माह कृच्छ्रा। उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिर माह कृच्छ्रा। नारायण खिल गुरु भगवन् नमस्ते। नारायण खिल गुरु भगवन् नमस्ते। उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिर माह कृच्छ्रा। नारायण खिल गुरु भगवन् नमस्ते। एक बार फिर से ध्यान से देखिए। सोंतः सरस युरु बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम क उपात्त चक्रम। उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिर माह कृच्छ्रा। नारायण खिल गुरु भगवन् नमस्ते। सोंतः सोमन वो गजेंद्र, अंतः सरस्यु वो जल के, सरस कहते हैं जल के अंदर, वो जल के अंदर था और साथ में गृहीत ग्रियाल के द्वारा बहुत ही संकट में था, बहुत ज्यादा उस दुख आर्तो यानी इतना दुखी था, कब से वो दुखदायक अवस्था में था। लेकिन इस दुखदायक अवस्था के समय तो उसने प्रार्थना की। अब उसको पता चला कि भाई प्रार्थना नहीं करूंगा तब तो और कोई है नहीं संसार में बचाने वाला, तो प्रार्थना की। और उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान जब आ रहे हैं, दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम, उन्होंने जब देखा है कि भगवान इतने सुंदर गोल्डन कलर के और ना बहुत सुंदर परों वाले गरुड़ के ऊपर आसीत होकर आ रहे मेरी पुकार सुनकर, मेरे पास क्या है। मतलब आप लोग रोजाना गजेंद्र स्तुति गाते हो ना मेरे साथ रोज, अभी ये श्लोक्स हैं आप पढ़ रहे हो, तो उस वो जो पढ़ रहा था ना उसका भाव ये था कि भगवान सुन रहा है और सुन के आएंगे, और जैसे ही वो अभी गजेंद्र स्तुति समाप्त करते भगवान आ जाते हैं। और हमारा ऐसा भाव होता है हम याद कर रहे हैं, हम ये श्लोक्स को याद कर रहे हैं, तो इतना ही होता है। लेकिन कभी ऐसा हो हम बहुत दुखी हो, याद हो गया और उसको पुकारने के लिए जब बुलाते हैं और आ जाते भगवान घरों पे बैठकर, और
घरों पर बैठकर उपात चक्र अपने चक्र को घुमाते हुए कि मैं तुम्हारे इस संकट से तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ। भगवान ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, अब भक्त को पता है वो आएगा अपना कर्तव्य पूरा करेगा, अब उसको बताने की जरूरत नहीं कि क्या करना है, भगवान को पता है ना। भगवान के सामने आकर भक्त कुछ नहीं बताता, क्योंकि भगवान भक्त जानता है कि उसे पता है कि मेरा कल्याण कैसे करना है। मेरे से गलती हो सकती है, उससे थोड़ी ना गलती हो सकती है। तो भक्त जो है संकट की स्थिति, जो संकट की स्थिति होती है ना, वो उसको अपने लिए सबसे बड़ा लाभ मानता है, क्योंकि जब संकट की स्थिति होती है ना, तभी वो स्तुति दिल से निकलती है। ये स्तुति तो उसको पिछले जन्म में जब वो महाराजा था तब भी आ रही थी, तभी तो वो इतने प्यार से गाया नहीं, तभी तो इतने भाव से गाया नहीं। आज संकट की स्थिति वो तो उसके लिए इतनी सुनहरी स्थिति बन गई कि हृदय से प्रार्थना निकली, भगवान को आने पर विवश कर दिया। फिर भगवान जब आते हैं तो उत्क्षिप्य सांभुज करम, अब वो सोचते हैं भगवान तुम आ गए, मैंने पुकारा और आप आ गए। त्रिलोकी के नाथ मेरे जैसे एक एक इनसिग्निफिकेंट, एक बिल्कुल कोई मेरी वैल्यू नहीं है, मैं तो एक जानवर हूँ और मैंने पुकारा आप आ गए। अब भक्त क्या सोचता है, मैं क्या करूं, उन्होंने तो कर लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे उनकी सेवा करूं, मैं मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास ऐसा है क्या मैं उनको कुछ दूं। अब आए हैं तो मुझे उनके स्वागत के लिए, जैसे आप अपने गुरु महाराज को कभी बोलते हो, क्योंकि हमारे पास ये साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र, गुरु जो है वो भगवान का एक प्रतिनिधि है। आप गुरु महाराज को रोज बोलते हैं प्रभु हमारे घर पे कभी आइए, कभी दर्शन दीजिए, और अचानक से गुरु महाराज आ जाते हैं, फिर आपके मन में ऐसा होगा ना कि साक्षात गुरु महाराज आए। क्या किया, उत्क्षिप्य उठाया, क्या सांभुज करम। अब गजेंद्र के क्या चार पैर होते हैं और एक सूंड होती है, तो उस सूंड के द्वारा भगवान का स्वागत करने के लिए एक कमल का फूल उठाते हैं और भगवान को वो कमल का फूल समर्पित करते हैं। सांभुज करम गिर माह कृच्छा, और बहुत ही दुख मतलब बहुत ही मुश्किल से गिरम, बस अब उनके पास शब्द खत्म हो गए थे। पहले तो वो फटाफट एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने सारे श्लोक्स बोले, लेकिन भगवान के सामने आने के बाद बड़ी मुश्किल से वो सोच रहे थे कि मैं इतनी स्तुति कर रहा था भगवान को बुलाने के लिए, तो अब मैं कुछ भगवान के सामने भी बोलूं। लेकिन अब उनकी जुबान जो ऐसा होता है भगवान के सामने, भक्त का जो है ना वो कंठ रुद्ध हो जाता है। ये भक्त की जो जब पराकाष्ठा होती है ना प्रेम की, जैसे महाप्रभु बोलते हैं कि नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुत्थया गिरा, तो पुलकैर निचितम वपुकता, ये गद कंठ जो है वो गदगद होकर रुद्ध हो जाता है, फिर बोलना बंद हो जाता है, फिर पता चलता है आपके प्रेम के प्रकार पराकाष्ठा। हम जब तक बड़बड़ करते बोलते रहते हैं ना, तब तक तो सिर्फ प्रयास करते हैं कि प्रेम प्राप्त हो जाए, और जब प्रेम प्राप्त हो जाता है फिर वाणी साथ नहीं देती। और बड़ी ही मुश्किल से उसने क्या बोला, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, हे नारायण, हे अखिल विश्व के गुरु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बस इतना बोल सके। और फिर शब्द शांत हो गए, स्पीचलेस हो गए, उनकी आवाज बंद हो गई, बस वो कहे कि आप आ गए, मुझ दीन हीन की पुकार सुनकर आपने मुझ पर इतनी कृपा की, मैं आपको ये कमल का फूल जो है वो समर्पित करता हूँ। ये फूल मत समझना, ये मेरा हृदय है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बस मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं बोल सकता। अनुवाद देखिए, घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था, किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में आ रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड में कमल का एक फूल ले लिया
और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित शब्द कहे, हे भगवान, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये भक्त की बहुत ही सुंदर आकर्षित बात है कि भगवान के सामने बस नतमस्तक हो जाना, मैं सरेंडर हूँ, जैसा आपको मेरे साथ करना है मैं मानता हूँ कि आपके प्लानिंग जो मेरे लिए है वही मेरे लिए बेहतर है। आई नो दैट योर प्लान्स आर मोर बेटर देन माय ड्रीम्स, इसलिए मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मैं आपकी शरणागति होता हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात बताते हुए कहते हैं, गजेंद्र भगवान का दर्शन पाने के लिए इतना इच्छुक था कि जब उसने भगवान को आकाश में आते देखा तो उसने अत्यंत ही पीड़ा के साथ मंद स्वर में भगवान को नमस्कार किया। भक्त भयावह स्थिति को भयानक नहीं मानता, क्योंकि ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में वह अत्यंत आनंद से भगवान से प्रार्थना कर सकता है। दुखी स्थिति में तो प्रार्थना निकलती है, इसलिए वो उसको एक सु अवसर मानता है। इस प्रकार भक्त संकट को एक सु अवसर मानता है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणा, जब भक्त विकट स्थिति में होता है, जब संकट में होता है, तो वह इस संकट को भगवान की महती कृपा मानता है, क्योंकि यह संकट निष्ठापूर्वक तथा एकाग्रचित से भगवान का चिंतन करने का सुअवसर प्रदान करता है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणा भुञ्जान एवात्मकृते विपाकम्, भागवत 10.14.8। वह भगवान पर दोषारोपण नहीं करता है कि उनके कारण भक्त ऐसी संकट स्थिति में आता है। भक्त और अभक्त की यह पहचान है। अभक्त जो होता है ना, वो हमेशा जब भी संकटपूर्ण स्थिति होती है तो भगवान को बोलता है, तुम्हारे कारण देखो मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ, इसकी मृत्यु हो गई, ये हो गया, वो हो गया, भगवान पर दोष आरोपण करते हैं। लेकिन भक्त जो होते हैं उस संकट की स्थिति को सुअवसर मानते हैं कि भगवान ने ये स्थिति इसलिए पैदा की है ताकि मैं और भी भगवान के निकट आ सकूं। तो वो क्या मानते हैं कि ये जो संकट की स्थिति है वो मेरे विगत दुष्कर्मों का फल मानता है और इस अवसर को भगवान की प्रार्थना करने का सुयोग समझता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि उसने ऐसा अवसर मिला। जब भक्त इस प्रकार रहता है तो उसकी उसकी मुक्ति, भगवत धाम, पुनरागमन सुनिश्चित है। हम इसकी सत्यता गजेंद्र के उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि उसने अत्यंत ही आतुरता से भगवान की प्रार्थना की और इस तरह उसे तुरंत ही भगवत धाम लौटने का सु अवसर प्राप्त हो गया। तो शिला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी स्थिति भक्त के जीवन में आती है, भक्त जानता है कि ये भगवान की प्लानिंग है ताकि मैं और भी भगवान के निकट आऊं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने सारे दुनिया के जो सब किताबें वो पूरे कर लूं और मैं भगवान के धाम में लौट कर भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकूं। एक बार श्लोक को सुनिए और उसके बाद उच्चारण कीजिए, ठीक है? सोंत सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्भुजकरं गिरमाह क्रीच्छ्रा नारायण खिल गुरु भगवन् नमस्ते जी। हरे कृष्ण जी। सोंतः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्भुजकरं गृह गिरमाह क्रेच्छा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। गुड, और कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण। सोंतः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो
दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्भुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते कृष्ण गुड वेरी नाइस प्रभु बहुत अच्छा और कौन पढ़ेगा एकता माता जी आप पढ़िए ना नहीं है क्या हरे कृष्णा जी प्रभु हरे कृष्ण माता जी मेरे पास आज थोड़ा सा बिजी हूँ तो बुक नहीं है मेरे पास इधर पास में ना आज थोड़ा किचन में काम था सुन रही हूँ मैं लेक्चर जी आप पढ़िए दीपक प्रभु सोन्तः सुरस्य रुबलेन गृत आरतो दृष्ट्वा गुरुत्मते हरिम ख उपात चक्रम उक्तक्षप्य सामभुज कर्म ग्रमाह कृचा नारायणं खिल गुरु भगवन् नमस्ते वेरी नाइस और कौन पढ़ेगा काजल आप पढ़ोगे सोंता सरसुर बलिना गिरिता आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरियं खा उपात चक्रम उक्षिप्य साम्भुजकरम गिरामा कृच्छ्रा नारायणाखिला गुरु भगवन् नमस्ते Very nice. और कोई पढ़ेगा रमेश प्रभु आप पढ़ोगे well, किसी को कुछ पूछना है श्लोक के विषय में समझ में आ गया सबको हरे कृष्ण जी जी दीदी जैसे आपने बताया कि घड़ियाल और गजेंद्र के बीच में 1000 साल तक युद्ध चला था मतलब तो लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे ही भगवान ने स्तुति सुनी थी गजेंद्र की तो तुरंत ही आ गए थे तो गजेंद्र तो 1000 तक दुखी अवस्था में था और 1000 साल के बाद भगवान आए हैं तो ये समझ नहीं आ रहा भगवान तुरंत आए थे कि 1000 ईयर बाद आए थे नहीं देखो गजेंद्र पहले जैसे ही गजेंद्र पे अटैक हुआ ना शुरू में अटैक हुआ तो उसको लगा कि ये घड़ियाल है क्या गजेंद्र के पास तो बहुत पावर था ना तो उसने ये सोचा इसको तो मैं खींच के मार के इससे छुड़ा दूंगा और बाद में इसको कुचल के मार भी दूंगा और मेरे साथ तो इतने सारे मेरे रिलेटिव है मेरे पुत्र है मेरे तो वो सोच रहा था कि अभी मुझे इससे छुड़ाने में तो देर लगेगी नहीं लेकिन वो धीरे धीरे सब लोग उसको छोड़ के चले गए और फिर 1000 साल तक पहले युद्ध किया भगवान को थोड़ी याद किया हम भगवान को डायरेक्ट याद करते हैं क्या पहले अपनी पूरी कोशिश लगा दी 1000 साल तक युद्ध किया उसके बाद उसको अकल आई कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है अब संसार भी छोड़ के चला गया मेरी शक्ति भी काम नहीं आई फिर भगवान को याद किया और जैसे भगवान को याद किया वैसे ही भगवान आ गए क्लियर है जी जी दीदी थैंक यू पहले 1000 साल हो गए थे जी जी प्रभु माता जी जैसे आपने बताया अभी के उसको मैंने जो अभी जो पढ़ी थी ये गजेंद्र स्तुति उसको मैंने अगले जन्म में उसके कर्म किए हुए थे अच्छे उसको मैंने याद थी मैंने कोई भी जूनी मिल सकती है उसमें जो पिछले कर्म किए हुए याद रहते हैं नहीं सबको याद सब चीजें नहीं होती हैं लेकिन अगर हम लोगों ने कुछ अच्छा कर्म किया है तो वो बैलेंस हमारा आउट नहीं होता जैसे आप इस अभी जैसे मैं अपना बताऊं कि हो सकता है पिछले जन्म में मैं भगवद गीता पढ़ी होगी तो हम जब पहले गांव में रहते थे कहीं कोई पता भी नहीं था किसी को भाई संस्कृत में भगवद गीता भी होती लेकिन मुझे इतना आकर्षण होता था कुछ कुछ श्लोक जो है ना मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पढ़े हुए मतलब मुझे आते हैं लर्न है पहले से जैसे 9वां चैप्टर है 12वां चैप्टर मुझे ऐसा लगता था कि तो जो हम भक्ति आज आप लोग जो ये पढ़ रहे हो आप ये मत समझना कि बस इसी जन्म में काम आएंगे इस जन्म में याद कर लीजिए नेक्स्ट जन्म में अगर भगवान के पास चले गए तो अच्छा है लेकिन अगर आए भी ना तो ये सारी चीजें जो याद करेंगे ना वो सेव रहेंगे
और मैं जब इतना सारा याद करती रहती हूँ तो मुझे घर वाले बोलते इतना याद क्यों कर रही हो, मैं बोलती हूँ इस जन्म में पूरा याद कर लो ना, नेक्स्ट जन्म में आके प्रचार करना होगा तो याद करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गजेंद्र को भी याद था तो मुझे भी याद रहेगा। तो ऐसा है कि भगवान कहते हैं कि ये जो भक्ति आप इस जन्म में करते हो ना वो सेव रहती है, जितना भी नाम जप किया है जितना भी भगवान, तो जैसे ही उस दूसरे जन्म में पहले याद नहीं था लेकिन ऐसी स्थिति भगवान क्रिएट करते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना देते हैं, ऐसा वातावरण कि भगवान स्वयं आपको वो अवसर देते हैं कि आपकी की हुई भक्ति आपको फौरन से याद आती है और आप वहीं से स्टार्ट करते हो। जैसे 80% भक्ति अगर आप इस जन्म में कर लेते हो, 20% रह गई है तो आप 1% से शुरू नहीं करोगे, 81 से शुरू करोगे और आगे भगवान तक 20% भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो ऐसा है कि भक्ति कभी भी जो है वो वेस्ट नहीं जाती है, भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है, क्षय नहीं होती है, वो हमेशा आपके साथ रहती है, हमेशा आपकी सहायता करती रहती है। क्लियर है प्रभु? ठीक है, धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? समय तो है नहीं। जी 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 प्रभु। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता यो असां कथा अॼु जॉइन कई, माता इहो गजेंद्र पोएं जन में तव्हां ॿुधायो त राजा हो, त उन बुरा कर्म कया हुआ जंहिंजे करे इहो माना गजेंद्र जो इहो हाथी जो इहो जूनी मिली, त उहो कहिड़ो हुन बुरो कर्म कयो जंहिंजे करे हिनखे हिन जूनी मिली आहे? गजेंद्र जेको हुयो पोएं जनम में राजा इंद्रद्युम्न हुयो, ऐं राजा इंद्रद्युम्न जेको हुयो सो भॻवान जी वॾो भॻत हो भॻवान जो, लेकिन उते एक दफा भगवान जी साधना सेवा मतलब नाम जप करो जंगल में, सब पांजा राजकाज छड़ी करे जंगल में वे भगवान जी सेवा करन लाए, लेकिन भगवान जो नाम जप करे रहे हो त हाणे राजा हो, त राजा जॾहिं जंगल में आयो त कॾहिं को ऋषि ईंदो हुयो हुन पास करे, के केर ऋषि ईंदो त अलॻि अलॻि ऋषि मुनि हुन जे पास ईंदा, त हो नाम जप करण जे लाइ सुकून चाहियो थे कि मां हुतां राज पंहिंजो छॾे करे हिते सुकून सां नाम जपियां, हिते कॾहिं को अचे वरी उन जी सेवा करणी पए, कॾहिं को अचे उन जी सेवा करणी पए। हिकिड़े दफ़ा दुर्वासा ऋषि आयो, उन सोचियो कि हाणे भले केर बि साधो अचे, भले साधो जो पीउ अचे, मां त पंहिंजो नाम जप कंदमि, भले पाण पिया अचनि मां उन्हनि जी सेवा कंदसि ई न, त इहो पंहिंजो नाम जप करे रहियो। दुर्वासा ऋषि चयो तूं भॻवान भक्ति थो करी या तूं है न जड़ बणिजी करे मतिलब हाथियुनि वांगुरु भॻवान भॻतनि खे त भॻवान जा जेके ॿिया